आज तक 330 ऐसे सदस्य जिनको प्लॉट नहीं मिला है। वो माफिया है और सरकार के जो प्राणी है ये लोग मिलके प्लॉट खा रहे हैं। पैसा जमा होने के बाद भी प्लॉट को 25 साल से भटक रहे 330 सदस्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध नहीं कर रहे, शिकायत के बाद भी कार्रवाई। राजधानी भोपाल में अधिकारियों और गृह निर्माण सोसाइटी की मिलीभगत का बड़ा घोटाला सामने आया है। रोहित गृह निर्माण सोसाइटी के 330 सदस्य पिछले 25 साल से प्लॉट के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार अधिकारियों को भी पूरे दस्तावेजों के साथ शिकायत कर चुके हैं। पीड़ित लोगों की मांग है कि सरकार हमारी मांगों पर तत्काल ध्यान दे। 1998 में बने थे सोसाइटी के सदस्य। समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने कलेक्टर को भेजी शिकायत में बताया कि हमने 1998 में रोहित गृह निर्माण सोसाइटी की सदस्यता ली थी। मेरे साथ 300 सदस्य और भी थे जिन्होंने सोसाइटी में प्लॉट के लिए पैसा जमा किया था। पिछले 25 साल पहले सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई थी, जिसमें से कुछ को तो पैसा जमा करने पर प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन करीब 330 सदस्यों को अभी तक प्लॉट नहीं मिल सके, जबकि सभी सदस्यों ने उसी समय पैसा जमा किया था। हमें प्लॉट मिले या पैसा वापस हो, इस प्लॉट आवंटन घोटाले में अधिकारियों की भी मिलीभगत संदिग्ध नजर आ रही है। तभी उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं हो रहा है। हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार हमें सोसाइटी बनाने का अधिकार दे, ताकि प्लॉट से वंचित रह चुके सदस्यों को प्लॉट मिले या उनका पैसा वापस हो सके। इसके लिए जो दुकानें बनी हैं उनको रीसेल में बेचा जा सके, इससे जो पैसा मिलेगा वो सदस्यों को वापस किया जाएगा। क्या मामला है सर रोहित गृह निर्माण सोसाइटी का, क्या कहानी? मैं रोहित सोसाइटी का मेंबर्स हूं। 1998 में हमने अपनी मेंबरशिप ली थी। आज 25 साल हो गए हम लोग को और हमने 4.5 लाख रुपए जमा किए थे, लेकिन आज तक हमें प्लॉट नहीं मिला है। इसमें सरकारी दस्तावेज पूरे हम दिखा चुके हैं, सरकार को दो बार जाके दिखा भी चुके हैं। 2012 में कमिश्नर के कैंडिडेट के लिए हमने पूरे जो बाकी पैसे थे वो पूरा और आज के 470 रुपये हम उनको दे चुके हैं पूरे, लेकिन आज 25 साल हो गए हमको आज का रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसमें हम लोग तो 1 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि 330 मेंबर हैं जिन्होंने इनको प्लॉट नहीं मिला। उसमें से 22 करोड़ रुपये हमने 2012 में जमा कराया था सरकार में, लेकिन ये भी एक भूमाफिया और सरकार के दस्तावेज इसमें लीगल CIB पे भी जमा करके कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक 330 ऐसे सदस्य हैं जिनको प्लॉट नहीं मिला है। इसमें सरकार की कुछ मिली भगत है, सरकार के जो जो पोस्ट पे अधिकारी उन्होंने मिली भगत है, और आज तक भी NOC बांटी जा रही है। NOC बांटना मतलब आज भी दूसरे को प्लॉट भेजा जा रहा है, मतलब ये पूरा भू माफिया है और सरकार के जो प्राणी है ये लोग मिलते हैं प्लॉट खा रहे हैं। 330 जो सदस्य हैं उनको हमारे आज तक निराकरण नहीं हुआ, तो कृपया करके इस मामले को प्लॉट दिया जाए और या तो हमारे पैसे वापस किए जाए। अगर प्लॉट और पैसे नहीं देते तो आगे की, क्योंकि लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, आगे क्या कदम ऐसा उठाएंगे जिससे कि सरकार को? देखिए, हम लोग 1 साल से तो सरकार की कार्रवाई हमें इलेक्शन बॉडी दी जाए, ताकि हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि 1 साल से हम लोग को लड़ते लड़ते, लेकिन आज तक सरकार ने हमें इलेक्शन कराया तो हमें गवर्नमेंट बॉडी दे दी जाए, क्योंकि 10 साल से आज तक जो सहकारिता विभाग है उनके हाथ में ये पोस्ट है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमें आज में बॉडी दी जाए और ताकि हम लोग अपनी खुद की सरकार बनाए के हम अपने खुद का सोसाइटी बनाए के और हमारे जो पैसे हैं या तो प्लॉट दी जाए या तो पैसा वापस किया जाए। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ, मेरी सदस्यता है 1999 से मेंबर हूँ और 330 सदस्य जिनको प्लॉट नहीं मिला।